हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिखा अग्रवाल। और आज मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पास, एकदम क्रिएटिव ड्राइंग की क्लास। एक्चुअली काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर्स डिमांड कर रहे थे कि कोई ड्राइंग या क्राफ्ट की क्लास आप लेकर आओ, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। देखिए, ये मैंने सिंपल A4 की शीट ली है, आप कोई भी पेपर या ड्राइंग शीट ले सकते हैं। इस पर मैं बनाऊँगी एक बिग पिक्चर। ये एक्चुअली क्राफ्ट की एक्टिविटी है एक छोटे बच्चों के लिए। जैसे कि मैंने एक ये फ़िश बनाई है, शायद पेंसिल थोड़ा लाइट है, अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देती हूँ फटाफट। हम इस पर एक टीयर एंड पेस्ट की एक्टिविटी करेंगे। जैसे आपने कोई भी एक बिग पिक्चर बना दी, जैसे कि ट्री बना दिया, फिश बना दी, कुछ भी चीज़ आप बना सकते हैं। और आपको एक चाहिए सिर्फ न्यूज़पेपर और एक फेविस्टिक। तो आपको क्या करना है, फेविस्टिक आपको एक पार्ट पे लगाना है, जैसे कि विंग्स का पार्ट है, फिश की विंग्स है, तो उस पर आपको लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर बच्चा बड़ा है अपने आप फेविस्टिक लगा सकता है तो आप वो खुद लगाने दीजिए उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर का पीस ले के उसको देना है। तो उसके बाद बच्चा क्या करेगा, जैसे यहाँ पर ग्लू स्टिक लगा दी हमने और पेपर में देखना थोड़ा सा कलरफुल सा पोर्शन लेकर ऐसे फाड़ फाड़ के बच्चा उस पर पेस्ट करेगा, टीयर एंड पेस्ट करेगा। मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा पेपर फाड़ेगा वो पेस्ट करता रहेगा, जहाँ भी उसको समझाना है कि जहाँ जहाँ वाइट पार्ट है वो पूरा कवर करना है, वाइट पार्ट बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। और इस तरह से ये देखिए हमारा फिश का विंग डेकोरेट हो गया है न्यूज़पेपर की हेल्प से। कोई भी आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेकर आना है इसमें, सिंपल ग्लू स्टिक जो सबके घरों में होती है बस वही चाहिए। अगर ग्लू स्टिक नहीं है तो आप गम भी लगा सकते हैं इस पर। अब देखिए, जैसे मैंने ये पीछे जो फिश की टेल है उस पर हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि कोई कलर्ड पार्ट ही आप हर जगह लगाएं, या अगर आप न्यूज़पेपर नहीं देना चाहते तो आप कोई मैगज़ीन भी दे सकते हैं, पुरानी मैगज़ीन जैसे होती है तो उसमें काफ़ी कलरफुल पिक्चर्स होती हैं, तो उसका कोलाज अगर आप बनाएंगे इस तरह से तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आगे मैं अभी एक और एक्टिविटी इसी फिश पर बताऊंगी कि फ़िश को डेकोरेट करने का एक और दूसरा मेथड क्या है। ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इस तरह से हमने इसकी टेल पर भी न्यूज़पेपर पेस्ट कर दिया है, पूरा वाइट पार्ट जो है कवर कर दिया है। चलिए, अभी बारी आती है दूसरे विंग की। ये देखिए, न्यूज़पेपर में ये काफ़ी अच्छा पार्ट मेरे को मिल गया है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर से ही मैं इसका दूसरा विंग भी आपको फटाफट से करके बता देती हूँ। मैंने ग्लू स्टिक लगाई है और यहाँ पर इस तरह से, अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है ना तो उसको कीजिए, कहिए कि थोड़ा शेप्स में लगाए, जैसे जिस तरह से विंग की शेप है उस तरह से लगाए। और अगर छोटा बच्चा है तो थोड़े से न्यूज़पेपर के पार्ट्स ये अगर बाहर भी आ जाते हैं लाइन से तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बिज़ी तो है ना। देखिए, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये मोबाइल, जहाँ बच्चों ने मोबाइल देखा तो बस वो छोड़ते नहीं है फिर। तो बच्चों को इस तरह से एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखिए, ताकि जिससे बच्चे मोबाइल देखना ही भूल जाए। देखिए, ये ना मैंने डिज़ाइन बनाया है फ़िश की बॉडी पे और इसको इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। सिंपल बिंदी है ये, मैरून कलर की या रेड कलर की, जो भी आपके पास है, या अगर आपके पास कलरफुल बिंदी है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से इसको आप डेकोरेट करने को दे सकते हैं। यही कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं बच्चों को क्राफ्ट एक्टिविटी में बिज़ी रखने का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।